बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो क्लास में देखो क्या है कि अब हम लोग पढ़ने वाले एक नया चैप्टर और जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट लॉस क्या है भाई? तो प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या होता है कि नफा नुकसान, है ना, इसको बोलते हो लाभ और हानि। तो लाभ हानि में देखते हैं क्या है, लाभ कब होता है, हानि कब होती है। तो ये समझना बिल्कुल प्रैक्टिकली, हम जितनी उम्मीद करें उससे ज्यादा मिल जाए, है ना, वो क्या हुआ हमारा लाभ, और जितनी उम्मीद करें उससे कम मिले वो क्या हुआ मेरी हानि। बात क्लियर हुई? जैसे ये मार्कर हम 20 रुपए का बेचने चाहते हैं और ये 20 से ज्यादा मेरा बिक जाए तो क्या हो रहा है, मेरा लाभ हो रहा है। या इसी को अगर हम मैथ के लैंग्वेज में कहें तो मेरी जितनी लागत लगी है या मेरा जितना क्रय मूल्य रहा है खरीदा हुआ, ठीक है, जितना मेरा क्रय मूल्य रहा है उससे अगर हमको अधिक मिलता है विक्रय मूल्य बेचने पर, है ना, क्रय मूल्य से अगर अधिक मिलता है विक्रय मूल्य, तब मेरा क्या होता है लाभ होता है। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम मिलता है तब क्या हो जाएगा, मेरी हानि हो जाएगी। तो हानि और लाभ का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे शायद, है ना। अगर नहीं समझे तो एक और मैं समझा थोड़ा सा। जैसे मां कोई वस्तु हमने क्या कर दी है, 10 रुपये की हमने खरीदी है, ठीक है, 10 रुपये खरीदी है और उसको हमने क्या किया है 8 रुपये की हमने बेच दी है। बेची कितने की है, 8 रुपये की। तो हमने उसको 8 रुपये का बेचा, 10 की खरीदी 8 की बेची। तो मुझे आप सेम चीज बता दो इसी में कि मेरा लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो हम भैया 10 की खरीदते 8 की बेचते तो मेरा नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया, 2 रुपये का नुकसान हो गया। अब इसी चीज को हमने खरीदने को मतलब मैंने क्या बताया आपको, क्रय मूल्य, और ये क्या आपका है विक्रय मूल्य, ठीक। तो क्रय माइनस विक्रय, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पर क्या बनेगी आपकी, हानि बनेगी, ठीक है। तो ये हानि हो गई। तो एक चीज निकल के आई यहां से, हानि बराबर या लॉस बराबर क्या होता है, तो के माइनस बी बराबर हानि, ठीक। ये ऐसे कह सकते हैं अगर आपको, तो ये होता है सीपी माइनस एसपी इक्वल लॉस, ठीक, लॉस। तो ये हो जाएगा आपका हानि के लिए, ठीक। अभी हानि परसेंट देखें क्या होगा। अब इसी चीज को आप बताओ मुझे कि अगर हम 10 की खरीदें, कितने खरीदें, 10 की अगर कोई चीज खरीदें और उसको 12 की बेच दें, ठीक, कितने की बेच दें, 12 की। तो ये बताओ हमने 10 की खरीदी है 12 की बेची, तो बताओ खरीदी कितने की, 10 की, बेची कितने की, 12 की। तो बताओ खरीदने वाला बड़ा है या बेचने वाला, मूल्य कौन सा बड़ा है, तो बेचने वाला विक्रय मूल्य बड़ा है। अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं बी से के घटाएं या फिर 12 में से 10 घटाएं, ना कि 10 से 12, यही तो होगा। तो 12 से 10 घटाएंगे कितना आएगा, तो मेरा आ जाएगा 2 रुपये। अब ये 2 रुपये क्या है, तो ये लाभ है, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है या लाभ है। तो यहां से निकल के आई एक चीज और, बी माइनस के बराबर लाभ, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट कॉस्ट प्राइस इक्वल प्रॉफिट। चलिए ये क्लियर हो गया, तो आप समझ गए इसमें लाभ कब निकलता है, हानि कब होती, बहुत ही बेसिक चीज थी, ठीक। चलिए इसको हटा दें, और इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चीज बन जाती है यहां से एक और चीज, कि जब हानि होगी तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, और किससे बड़ा हो जाएगा, विक्रय मूल्य से, मतलब कि ये कंडीशन आपकी फॉलो होगी, ठीक। तो क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य, या फिर ऐसा कह सकते हो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अगर ऐसा कुछ होता है आपके केस में तब आपकी क्या हो रही, हानि हो रही है। अगर आपका सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हम क्या कह सकते हैं, तो मेरा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। या फिर ऐसा कह सकते हैं विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन किससे, क्रय मूल्य से, तब क्या हो रहा है, मेरा लाभ हो रहा है। तो लाभ और हानि की कंडीशन जितने रूप में दिखनी थी मैंने आपको दिखा दी है, बता दी है, ठीक। क्रय माइनस विक्रय कर दो, या कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर दो, या जो भी चीजें हैं, ठीक। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें और थोड़ा परसेंटेज की तरफ, हटा दे इसको। चलिए आप समझते चलिएगा इसमें कि जब कभी आपसे पूछे कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होता है, तब देखते हैं क्या होगा इसमें। अगर मान लो यहां से हम पूछे लाभ प्रतिशत,
तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, ठीक है, हानि प्रतिशत क्या होती है, हानि प्रतिशत क्या होती है, अगर ये चीज देखनी तो इसको समझो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट। अगर कोई वस्तु हम मान लो खरीदते हैं, हमने खरीदी 100 रुपये की, 100 रुपये की खरीदी और उसको मैंने बेच दिया है 150 का, किसका कितने बेच दिया, 150 का, मान लो मार्का मैंने 100 रुपये खरीदा और 150 का बेच दिया, जब 100 का खरीदा था तो मुझे लाभ कितना मिल रहा है, डायरेक्ट कितना मिल रहा है, 50 रुपये का लाभ मिल रहा है, तो मेरा लाभ कितना हो गया, 50 रुपये का, ठीक। हमको क्या निकालना है, प्रतिशत, और परसेंटेज वाले चैप्टर में आने आपको बताया इसका मतलब ही होता है क्या, 100 पर निकालना, तो किस पर निकालना, 100 पर निकालना, तो ये हो गया 50 रुपये का लाभ, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ठीक, और गुणे 100 पर निकालना है ना, 100%, ठीक। तो यहां से ये काट दिया, ये काट दिया, आंसर आपका कितना आ गया, 50%, ये आपका आ गया लाभ आ गया, क्लियर। अगर इसी चीज को सेम देखें थोड़ा सा बदल करके, तो मान लो यहां पर वस्तु हमने खरीदी थी 80 की, ठीक, और बेच दी है इसको, कितने की बेची, कितने की बेची, मान लो इसको मैंने बेच दी 120 की, ठीक, तो मुझे लाभ कितना मिल रहा है, तो मुझे लाभ मिला है 40 रुपये का, और किस पर, क्रय मूल्य पर, किस पर, क्रय मूल्य पर, अब क्रय मूल्य पर मिला 40 रुपये का लाभ मिल गया, इसको हम प्रतिशत में निकाल दें तो ऊपर कितना लिख दें, गुणे 100, ये जीरो, 4 एक्कन, 4 दूनी 2 एक्कन, और 50 बार कट गया, फिर भी आंसर आपका कितना आ गया, 50%। अब बात क्लियर हुई, तो अगर ये फार्मूला आप ना याद कर पाए, फार्मूला बाय द वे आपका ये बनता है कि जो आपका ये निकल क्या था, लाभ, तो हम ऊपर लिख लेते हैं लाभ इंटू 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य, ठीक, ये आ जाता है लाभ के केस में। हानि के केस में क्या होता है, तो हानि केस में समझ लेना थोड़ा सा और, कि मान लो कोई वस्तु, मार्कर चेंज कर ले थोड़ा सा, अगर मान लो कोई वस्तु हम खरीदते हैं, मान लो 100 रुपये खरीदते हैं, 100 रुपये खरीदते हैं कोई वस्तु, और जब बेचने जाते हैं तो वो बेचते हैं 70 रुपये की, ठीक, अगर 70 रुपये की बेची तो मेरा क्या हो गया, मेरा नुकसान हो गया, कितना नुकसान हो गया, 30 रुपये, 30 रुपये का नुकसान हो गया, और किस पर नुकसान हुआ है, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर 30 रुपये का नुकसान हो गया, 100 की खरीदी थी, 30 का नुकसान हो गया, और इसको निकालना है प्रतिशत में, तो ये लिख दिया आपका 100, कट कर दो भाई, ये 0 0 कट गए, कितना आ गया आपका, 30%, तो आपका लॉस परसेंट कितना हो गया आपका, 30% हो गया। अगर इसी में थोड़ा सा और चेंज करें, अगर ये वस्तु मान लो 60 रुपये की मैंने खरीदी और इसको बेच दी है, कितने की बेची है, मान लो इसको मैंने बेच दिया है 45 रुपये की, ठीक, 45 रुपये बेच दी, तो मैं नुकसान कितना हो गया, देखो 60 की खरीदी थी, 45 की बेच दी, तो 15 का नुकसान हो गया, अगर 15 का नुकसान हो गया, 15, और किस पर नुकसान हुआ है, क्रय मूल्य पर, ये हो गया 100 में, अब इंटू 100, 15 एकन 15, 15 चक्कू 60, 4 से काटा 25 बार, और 25% आपका क्या हो गया, आपका नुकसान, 25% आपका लॉस हो चुका है, क्लियर है। अब यहां पर ये फॉर्मूला निकल के आ गया आपका, देखो ये क्या था आपका, हानि थी, तो आपने लिखा हानि गुड़े 100% पर निकालना है, और बटे क्रय मूल्य, ठीक, तो ये दोनों बनते फॉर्मूले आपके, लाभ परसेंट निकालने के लिए, हानि परसेंट निकालने के लिए, लाभ के लिए ये, हानि के लिए, इसका पर नोट कर लो फिर बताते हैं आपको, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ही ले लो, चलो हटाते हैं फिर आपको, इसमें अगर आपको याद करना आसानी से तो क्या रहेगा, क्योंकि लंबे लंबे फॉर्मूले हम खुद नहीं याद कर पाते हैं, दूसरों क्या बताएं। चलिए अब देखो भाई, लाभ के लिए होता है, ध्यान रखना दोनों में, अंतर गुणे 100, ये लाइन है दोनों में याद रखना, अंतर गुणे 100 बटे, दोनों में लगा दो बटे, ठीक, दोनों में बटे, अब क्या होगा, लाभ केस में हो, लाभ का मतलब ज्यादा, और ज्यादा और बटे मतलब ये हमेशा नीचे क्या रहता, उल्टा रहेगा, तो लाभ के केस में अंतर गुणे 100, और नीचे क्या रहेगा, नीचे दोनों में जो छोटी वैल्यू हो, छोटा, ठीक। हानि में क्या होता, हानि का अपोजिट क्या होता, हानि मतलब कम, और कम का उल्टा ज्यादा, तो यहां पर क्या रहेगा, बड़ा, अभी छोटा बड़ा भाई क्या है, तो छोटा बड़ा का मतलब दो वैल्यू आपको मिलेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं कि हमने सेलिंग जो आपकी कास्ट प्राइस थी या क्रय मूल्य था, अब क्रय मूल्य याद रखना आप, ठीक, क्रय मूल्य आपका 50 रुपये का था और विक्रय आपने कर दिया 70 रुपये का, तो आपको यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर देखो लाभ मिला, अगर आपको लाभ मिला, कितना लाभ मिला, 20 रुपये का, आपको लाभ परसेंट निकालना है, तो 20, अंतर कितना है, अंतर
गुणे 100 और बटे लाभ हो रहा है, तो बटे छोटा कौन है 50, ये छोटा रख दो। यहीं पर आप क्रय मूल्य याद रखते थे, तो यहां आपने 50 रख दिया, 0 से 0 कट गया, ये दोनों ही कटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। 5 से कटेगा 20 बार में, और 20 दूनी 40%, ये 20 गुणा हो जाएगा 2 से, ठीक 40%। इतना क्लियर है? बहुत ही बेसिक चीज है यार, इतना तो समझ जाओ। अच्छा बोर हो रहे हो तो अलग बात है, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे कितना बोर होते हो आने वाले सवालों में। चलो हानि परसेंट देख लेते हैं जल्दी से, फिर चलते हैं आगे सवालों की तरफ। देखो हानि परसेंट क्या होगा, मैंने खरीदी कोई वस्तु कितने की, मान लो 1700 की खरीद ली, ठीक 1700 की खरीद ली, और जो बेचने गए उसको हम, तो हमने बेचा उसको 1300 का, कितने बेची 1300 की, 1700 की खरीदी 1300 की बेची, तो क्या हुआ डायरेक्ट मेरा नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया, तो आपको दिख रहा है 400 का नुकसान हो गया, अंतर गुणे 100। और जब नुकसान होगा मतलब कम हो गया, तो नीचे क्या रखना है, नीचे बड़ा रखना है, कितना 1700, 2 0 2 0 कट गए, यहां पर कितना 400, तो ये आ जाएगा आपका 400/17, ये आपकी हानि परसेंट आ गई। अब काट लेना जो भी आपका आंसर आए, तो 400/17 ये आपका हानि परसेंट आ गया, हानि परसेंट, जब आपसे पूछे लॉस परसेंट तो ये आपका आ गया इतना, क्लियर। चलो अच्छा यहाँ पर एक और चीज हो सकती थी, आप अगर ये डायरेक्ट ना करते, मतलब इतना आप ना कैलकुलेट करते, तो यहां से आप रेशियो निकाल देते दोनों का, तो ये 2 0 कट जाते, 17 और 13 का रह जाता, तो अंतर निकालते कितना 4 अंतर गुणे 100, और बटे, बटे में क्या रहेगा क्योंकि हानि हो रही, तो बटे में बड़ा, तो 400/17, 400/17। अब ये ना सोचो इसमें कोई बहुत बड़ी ट्रिक लगा दी, कोई ट्रिक नहीं है, इधर के 2 0 काटे, इधर के भी 2 0 काट दिए ना, वही चीज यहां पर काट दे, तो ठीक, तो जहां आपको काटना लगे, काटने मन हो वहां पर काट दो, जहां पर आपका रेशियो निकलना हो निकाल लो, और ना आपका हो मन तो कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। चलिए तो हानि परसेंट लाभ परसेंट ये रट चुका होगा, समझ चुका होगा, चलिए अगर ये समझ चुके हो तो भाई आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। चलिए सवाल में देखते हैं क्या है आपके सवालों में। तो अच्छा एक और चीज याद आ गई मुझे, बता ही दें। देखो अगर आपसे कभी कहे, क्योंकि तो आपने परसेंटेज लाभ हानि तो निकाल ली, अगर आपसे कहता है किसी वस्तु को बेचने पर, ध्यान रखना ये वर्ड, किसी वस्तु को बेचने पर या विक्रय करने पर या बेचने पर 20%, 30%, 40%, एक्स परसेंट, 10%, रावण परसेंट, राम परसेंट, कुछ भी आपसे पूछे तो आप उसको पकड़ लेना, जैसे आपने कहा 20%, तो आपको पकड़ लिया कितना आपने 20%, ये पकड़ लिया, ठीक 20%। अब इस 20% को क्या करना है, इसको फ्रिक्शन बदल दो भैया, तो फ्रिक्शन बदलने का मतलब ये परसेंटेज नीचे कहाँ जाता है, बटे में 100, ऐसे समझ लो, ये आपको एक दिख रहा है, ये 2 0 दिख रहा है, ये 2 0 उठाकर नीचे रख दो, ठीक बस 20 21 20 25 1/5, ये आ जाएगा आपका। और नीचे वाले को हम मानते हैं क्या, तो नीचे वाले को हमने आपको रेलगाड़ी वाले प्रश्नों में बताया था, आपका जो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज उसमें बताया था, कई सारी चीजों में बता चुके हैं। नीचे वाले को बोलते थे, उसमें क्या बोलते थे हम लोग, मूलधन, है ना। रेलगाड़ी में क्या बताया था, नीचे वाले को बोलते थे वास्तविक, ठीक। इसमें क्या बोलेंगे नीचे वाले को, नीचे वाले को बोलेंगे क्रय मूल्य, ठीक क्रय मूल्य। और कब तक क्रय मूल्य बोलेंगे, क्रय मूल्य कब तक बोलेंगे, जब ये केस मिलेंगे, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, जब बेचने पर या विक्रय होने पर वस्तु को कहा जाए 20% का लाभ हुआ, 20% का नुकसान हुआ, तब नीचे वाला क्या बोला जाएगा भैया, आपका क्रय मूल्य, कब उनके हम चेंज कर लेंगे इसको। बात क्लियर हुई, अगर ये चीज क्लियर हो गई तो अब क्या हो जाएगा, नीचे वाला क्रय मूल्य मतलब कि हमने कितने का बेचा था भाई, 5 रुपए का बेचा था, ऊपर वाला होता है लाभ, क्योंकि लाभ वाली बात चल रही, 20% का लाभ, तो लाभ कितना हो गया 1 रुपये का, 5 रुपये का बेचा, 1 रुपये का फायदा हो गया, कितने की वस्तु बिक गई है बता दो मुझे, 5 रुपये खरीदा था, 1 रुपये आपने फायदा ले लिया, कितने वस्तु बेची 6 रुपये की, तो ये चीज यहां से निकल आएगी। अगर यहां पर कहता 20% की हानि की बात करता, क्या करता 20% हानि की बात, तो इस परसेंटेज को हम चेंज कर देते, तो 20% / 100 ये 1/5 आ जाता, आप बताओ। अगर ये 1/5 आ गया तो नीचे वाला फिर क्या हो गया, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो गया आपका, यहां लिख दे क्रय मूल्य कितना 5। ये देखो बात किसमें हो रही, हानि की बात हो रही है, किसकी हानि की, अगर ये हानि की बात है तो 1 रुपये क्या हो रहा है, हानि हो रही है, अगर 1 रुपये की हानि हो रही है तो मैंने लिख दिया हानि,
कितनी? 1 रुपये की। और जब बेचेंगे तो कितने का बिकेगा? जैसे 5 रुपये का खरीद लिया, 1 रुपये का नुकसान उठा दिया, कितने का आपने बेचा? तो इसको आपने बेचा है 4 रुपये का। बात क्लियर हुई? अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो हाँ, अब सवालों की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और बढ़ते हैं सवाल की तरफ, है ना भाई? एक दो सवाल लगा लें और फिर बाकी देखेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन कुछ आगे आने वाले प्रश्नों में। अच्छा, सीटेट वाले या टेट वाले को अगर देख रहे हो क्लास को, तो आपके लिए सुबह 6 बजे आती है रोज प्रैक्टिस सेट, जिसमें रोज सीटेट का हम मैथ करवा रहे हैं, एनवायरमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर के सीटेट और टेट प्रैक्टिस सेट नाम से पढ़ी, उसको देख लेना। ठीक, क्योंकि उसमें सारे ऑब्जेक्टिव जितने आपके होते हैं ऑप्शन सारे के सारे डिटेल में बात करते हैं उन पर, तो देख लीजिए। चलिए, सवाल में कहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 2500 रुपये में खरीदा। व्यक्ति खरीदता कितने की है? 2500 की खरीदा। ठीक है, 2500 रुपये वस्तु को खरीद लिया, फिर क्या बात कही उसने? उसे 2700 रुपये बेच दिया। कितने भैया बेच दिया? 2700 रुपये की। ठीक, मतलब है जुगाड़ी इंसान, 2500 के खरीदा 2700 के बेच दिया। ठीक, तो ये पूछ रहा है आपसे कितने परसेंट लाभ हुआ, तो आपसे लाभ पूछा है। आपको दिख रहा है इसमें क्या लाभ हो रहा है? आपको देखो भाई क्या लाभ हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो कितना लाभ हो रहा है? तो अगर हम बात करें थोड़ा सिंपल वे में तो कितना हो रहा है? 200 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना हुआ भाई? 200 रुपये का। तो लाभ परसेंट अगर पूछा है तो क्या जानते हो आप? अंतर, अंतर कितना है याद रखना, फिर से लिख दे एक बार, अंतर गुणे 100, और लाभ के केस में नीचे क्या होता है? छोटी वैल्यू। ठीक, तो अंतर क्या है आपका? 200 गुणे 100 और बटे, छोटा क्या है इसमें दोनों बताओ, 2500। ये हो गया आपका, 0 से ये 0 कट गए, 25 सेकंड, 25 चक्कू 4 दूनी 8, तो आपका 8% का क्या हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया लाभ 8% का। ठीक, अगर यहीं पर आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते तो ये आपका 2500 था, ये आपका 2700 था, अनुपात बता रहे भाई, ये 0 से 0 0 0 यहां पर हमने काट दिया डायरेक्ट, क्योंकि इधर भी 0 इधर भी 0 0 0 उड़ा दिए। अब देखो अंतर कितना है, अंतर है 2 का, तो अंतर गुणे 100 और बटे छोटा, छोटा कौन है? 25, 25 एक 25 चक्कू 4 दूनी 8, 8%। क्लियर है? अब बहुत ही बेसिक सवाल है, मतलब जितना हम कम कहें उससे ज्यादा भी कम बेसिक है। ठीक, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा सा जुड़ पाओ, जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, वरना क्लास तो आपकी थोड़ा सा लेंथी चलने वाली है आने वाले समय में। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो आपको बिल्कुल बेसिक सवाल देते हैं, और उम्मीद है जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग सारे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, हम सबके आंसर को चेक करेंगे। ठीक है, सबके देखेंगे। चलिए सवाल देख लीजिए, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है बेसिक लेवल, और बहुत ज़्यादा अगर बोर होते तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर देना। चलिए मिलते हैं आपको।